धनतेरस पर बाजार गुलजार रहा। इस बार दुर्लभ संयोग में धनतेरस दो दिन मनाई जा रही है। लोगों ने धनतेरस पर खरीदारी करने में कंजूसी नहीं की। कोरोना काल के दो साल बाद इस बार बाजार में खूब रौनक रही। कारोबारी भी दो दिन की धनतेरस को लेकर काफी उत्साहित हैं। हालांकि दिन में मुहूर्त न होने से भीड़ कम थी। शाम को एकाएक बाजार की रंगत बदल गई। दो दिन का मुहूर्त होने से बाजार भी बटा हुआ दिखा। पहले दिन दोपहर बाद खरीदारी में रौनक लौटी। इससे शनिवार के साथ रविवार को भी बाजार में खरीदारी होगी। एक अनुमान के मुताबिक सराफा, बर्तन, वस्त्र, ऑटोमोबाइल समेत विभिन्न सेक्टर के बाजारों में कुल मिलाकर पहले दिन करोड़ों रुपए का कारोबार हुआ है। धनतेरस के अवसर पर दो दिनों में लगभग 40,000 करोड़ रुपए का खुदरा कारोबार होने का अनुमान है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के मुताबिक शनिवार को करीब 15,000 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। वहीं रविवार को 25,000 करोड़ के कारोबार की संभावना है। पूरे त्योहारी सीजन में 1.5 लाख करोड़ रुपए के कारोबार का अनुमान जताया गया है। इस दिवाली पर खुदरा बिक्री में 40% की वृद्धि होने की उम्मीद है। देश भर के सभी प्रमुख बाजारों में सुबह से ही अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। ज्वेलरी से लेकर कपड़ा, बर्तन, फर्नीचर और ऑटोमोबाइल में बंपर कारोबार हुआ। किसी ने शुभ दिन के मौके पर सोने का सिक्का खरीदा तो किसी ने चांदी। धनतेरस के दिन बर्तन और झाड़ू खरीदने को शुभ माना जाता है, जिसके चलते शनिवार को बर्तनों की दुकानों पर सबसे ज्यादा भीड़ देखी गई। धनतेरस के दूसरे दिन भी हर सेक्टर का बाजार चहकने को तैयार है। महामुहूर्त का बनना 4 चांद लगाने वाला है। उसी लिहाज से बाजार रविवार को भी चमकने को तैयार है। इसके लिए जोरदार तैयारियां हर सेक्टर में की गई हैं। ऐसा संयोग बहुत कम होने से एक दिन पहले से दुकानों पर तोरण से सजे स्वागत द्वार ग्राहकों का अभिनंदन करते हुए नजर आए। ग्राहकों में भी पहले से दुगना उत्साह है, इसलिए बाजारों में दूसरे दिन भी धनवर्षा होगी। बर्तन, सराफा, ऑटोमोबाइल सेक्टर में बूम रहेगी। सुबह से देर रात तक महंगे और बड़े साइज के आइटम खरीदारी के लिए रविवार को रौनक रहेगी। बढ़ती महंगाई के बाद भी लोग अपनी पसंद के सामानों पर पैसे खर्च करने में पीछे नहीं हट रहे हैं। परंपरागत सामान, बर्तन, कांसे, झाड़ू और पीतल की मूर्तियों के साथ ही लोगों ने ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल की भी जमकर खरीदारी की है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।